अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, इजलास हंगामा आरई की नजर भी हुआ, ओपोजिशन लीडर भी आए, लेकिन वो असेंबली की सीढ़ियों तक महदूद रहे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, नारेबाजी की और यहां से चले गए। लेकिन क्या हुआ, आवाम के इशू के ऊपर बात नहीं हुई। जो गुज़श्ता रोज जो बजट पेश किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ओपोजिशन की जानिब से, उसके ऊपर बात नहीं की गई। इसका नुकसान किसको होगा? इसके अलावा आज हम प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बात करेंगे कि ओपोजिशन अपना एहतजाज कहां तक लेकर जाएगी, और अगर एहतजाज को वसत मिलती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की काबीना को अपना काम करने में कितना नुकसान होगा या फिर कितनी दिक्कत होगी। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और अराकीन पंजाब असम्बली से बात करते हैं और जानते हैं कि अगला आने वाला लाहिरा अमल क्या होगा और जो पंजाब की आवाम के लिए आने वाले दिनों में रिलीफ है वो कहां तक दी जाएगी। जनाजिन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान साहब ने। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, आज भी हंगामा आराई की नजर हुआ है इजलास जो असम्बली का, क्या वजह है कि जो आपका एक एहतजाज है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, उसका कोई असर नहीं हो पा रहा है, उसका उस तरह से कोई इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता कि एहतजाज का असर नहीं हो पा रहा है। हमने अपना प्रोटेस्ट जो है उसको बड़ी अपनी वॉइस रेज की है। हमने बड़े दो टोक अल्फाज में अपनी बात की है कि ये जो गैर कानूनी फैसला है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है, विदाउट होल्डिंग द इंक्वायरी है, मेम्बरान की एंट्री को हाउस में बैन किया गया है, इसको जब तक वापस नहीं लिया जाता हम असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर ये आपकी जो हुकूमत है मदीहा, अगर ये चाहते हैं इसको यूनिलेटरली चलाना तो चलाएं, शौक से चलाएं, इतराज़ नहीं है। ये बजट अगर ऑपोजिशन के बगैर पास करना चाहते हैं तो शौक से करें। अच्छा सर, अलीम खान साहब कहते हैं एहतजाज नहीं ऐसे होता, आपने अगर एहतजाज करना है सड़कों पर आए, कंटेनर पे आए, दिन लगते हैं, जिस तरह से हमने एहतजाज किया था वो तो धमाकेदार उड़ा रहे हैं। उनका एहतजाज एहतजाज था, वो तो दंगा था, वो तो फसाद था, वो तो पाकिस्तान की मईशत को होस्टेज करना था, वो तो पाकिस्तान दुश्मनी पर मुक्त नहीं करेंगे। हम अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि रिस्ट्रेंट करें कि जिसके साथ पब्लिक लाइफ डिसरप्ट हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। अब बात करते हैं रहीला खादिम हुसैन साहिबा से, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रहीला साहिबा, एक मरतबा फिर एहतजाज आप कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त जो पंजाब हुकूमत है वो ये कहती है ये कोई एहतजाज नहीं होता। अगर एहतजाज करना है लंबे अरसे तक आप एहतजाज करें, ये क्या आप एक घंटे के लिए आते हैं? आपके ओपोजिशन लीडर को तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने और कहा कि एक घंटे के लिए आते हैं, एहतजाज करते हैं और चले जाते हैं, ये कोई एहतजाज नहीं है। मुझे नहीं समझ आती वो किस किस्म का एहतजाज का हमें सबक सिखाना चाह रहे। बात ऐसी है कि ये हमारा जमहूरी हक था जो हमने 16 तारीख को असेंबली के अंदर बात की कि हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी दी जाए बजट स्पीच से पहले, क्योंकि वो हमारा आईनी भी और बुनियादी हक था। लेकिन अफसोस का बड़ा लम्हा है कि वहाँ पर स्पीकर जो है वो बिल्कुल जानिबदार है और उन्होंने बिल्कुल बात नहीं कर रहे इस तरफ कि आप अपोजिशन के मेम्बर्स हैं उनको बात करने का हक हो। तो वहाँ पर जब हम एहतजाज के लिए खड़े हुए तो यकीनी सी बात है उन्होंने उसके बाद जो अपना उनके लोगों का रिएक्शन था वो अगर जब शारा साहब की बात सुने तो उन्होंने एडमिट किया कि हमारी तरफ से ऐसी आइंदा के बाद कोई बात नहीं होगी, जब उनके मेंबर्स हमें पुश करेंगे, खवातीन को भी पुश करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा। और लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो मैनिपुलेट किया गया, जब हम हाउस से बाहर निकले तमाम मेंबर्स, उसको निकलने के बाद जो मेंबरान जो बाकी थे गवर्नमेंट के, उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया पूरे हाउस को, उसकी तोड़फोड़ की, उसके बाद आपने एक तस्वीर मीडिया को पेश की कि जनाब ये आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि नकली तस्वीर थी और जो कुर्सियां हैं वो हाउस में नहीं होती, तस्वीर असली थी। अच्छा। हुकूमत ने उसको मैनिपुलेट किया। कैसे? पर मैनिपुलेशन करना बहुत आसान काम है, वो फोटोशॉप नहीं हुआ था, उसको खुद स्पीकर की सरबराही में उसको मैनिपुलेट किया गया। अच्छा, हम उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। फिर आपने जो स्टेज तस्वीर थी कि डेस्क गिराए गए, गन मचाया गया, फिर तस्वीर उतारी गई। देखिए, अगर हमने पेपर्स को हवा में लहराया जो हमारा, तो वो हमारी साइड पर था,
वो जनाब वो जो आप स्पीकर साहब ने खुद करवाया, मीसा वजीर आला है, अगर आप उसकी ब्रांचेस की तरफ भी देखें तो उनके आगे तो उनके अपने मेंबर्स खड़े थे, वहां तक कैसे चले गए। तो ये बड़े सारे इश्यूज हैं जो उसकी जेन्युइन फुटेज है उसको जरूर निकालना। ये मैनिपुलेशन का मास्टरमाइंड कौन है? यकीनन स्पीकर है, क्योंकि वो बहुत अजीब इस तरह की एक्टिविटीज के वो हमेशा मुब्तला रहे हैं। पीएमएलएन बहुत भारी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कोई मुनासिब रवैया है उनका। अंदर हॉल के अंदर से बाहर क्यों आए? जब वहाँ पर लड़ाई हुई तो आपके मेंबरान ने हमें पुश करना शुरू किया, खवातीन को, जिस पे हमारे जो मेंबर भाई थे उन्होंने फिर वहाँ पर उसके अंदर दाखिल हुए। सिर्फ पीएमएलएन क्योंकि वो अपोजिशन में है, आप उसको स्नप करते जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब रवैया नहीं। अब अपोजिशन का ये कहना है जो स्पीकर है मुकम्मल तौर पर जानिबदार है, वो एक ही पार्टी की बात करते हैं, जबकि स्पीकर को गैर जानिबदार होना चाहिए। गैर जानिबदार होना चाहिए, हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, पिछले 10 साल में राणा इकबाल साहब रहे, उन्होंने पीटीआई के मेंबर्स के साथ बहुत शफकत का इजहार किया, उनको पूरा हाउस के अंदर वक्त भी मिलता था, और अगर वो हमसे खफा हो जाते थे तो वफद की सूरत में उनको मना भी लिया जाता था और वो बात समझ भी जाया करते थे, हमने हमेशा उनको टाइम दिया, वक्त दिया। इस जानिबदारी की वजह कुछ नजर आती है? यकीनन आप देखें जो एक सिनेरियो बनता जा रहा है पीएमएलएन के खिलाफ, वो तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती नजर आ गई कि जनरल इलेक्शन हो तो मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लो, बाई इलेक्शंस आए तो मियां शहबाज शरीफ को नैब जो है विदाउट रेफरेंस उनको अरेस्ट कर लेती है। तो रेफरेंस दायर किए बगैर आप एक पार्टी के हेड को आप गिरफ्तार कर ले, और वहां पर फिर आप जब देखें असेंबली के अंदर एक भारी तादाद में आ गया, कोशिश के बावजूद आप उसको नहीं धकेल पा रहे, तो फिर आप ऐसी हरकतों पर ओछे हथकंडों पर उठ रहे, तो फिर तो हमारा आईनी हक तो है। अब क्या करेंगे आगे? यकीन हमारा एहतजाज जारी रहेगा, अगर हमें ये तरह स्पेस नहीं देंगे ये जमहूरियत को लिए बहुत। इसी तरह टोटो में ही आप जैसे कभी बाहर आ गए, हमजा आ गए, एक घंटे का उन्होंने स्पीच दे दी, कभी अंदर दे दी, इसी तरह से एहतजाज हम तकरीबन 8:30 बजे से यहाँ मौजूद थे और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, हम उनका एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे थे। हमारा हमजा शहबाज साहब आते हैं और फिर चले जाते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा जब असेंबली के बाहर आपने एहतजाज किया तब भी उन्होंने बहुत कम वक्त दिया, आज भी बहुत कम वक्त दिया और चले गए, किस जल्दी में रहते हैं? मेरा ख्याल नहीं, आज भी वो 9 बजे से हमारे साथ थे, हमारी लीडरशिप है, मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है उनके बारे में ये बात कहना कि वो जल्दी आए और जल्दी चले जाए, और बहुत देर तक हमारे साथ जब तक एहतजाज हमारा खत्म नहीं हुआ, वो हमारी खातून है, वो जो है वो बेहोश हो गई गर्मी की वजह से, तो मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं। जाहिर है आप भी इंटरव्यू लेंगे और आप भी चले जाएंगे, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फ़ियाज़ुल हक़ हसन चौहान साहब, जो कि वज़ीर इत्तला'आत पंजाब हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं और ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, अफसान रफीक भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ियाज़ुल हक़ हसन चौहान साहब, ये जो बात है कि हमजा शहबाज शरीफ बरस भी रहे हैं, फिर रिएक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके ऊपर बरस रही है, ये सवालात का तो हम सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हमजा शहबाज की बात करते हैं, वो कहते हैं जो तस्वीर पेश की गई हैं वो मैनिपुलेटेड थी और स्पीकर ने खुद मैनिपुलेशन की है और वो स्टेज सजाया गया और फिर तस्वीर उतारी गई और फिर उसको फ्लोट किया गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उर्दू का मुहावरा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब मसला ये है कि पूरी सहाफ़ी बरादरी की जो आपकी असम्बली की गैलरी में बैठती है उनको तो नहीं आप बेवकूफ़ बना सकते, आप भी मेरे ख्याल वहाँ पर मौजूद थी, आपने आंखों से नहीं देखा किस तरीके से उन 6 मेंबरान और किस तरीके से हमजा शहबाज साहब की जना चेहरे की लालियां और मुस्कुराहटें और उसकी अपनाइयत और उसकी लजाइयत देखने वाली थी उस वक्त कि इशारों से, अब वीडियो मौजूद है, इशारा कर रहे हैं कि जाओ स्पीकर के ऊपर जनाब हमला करो, सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर हमला करो, ये इशारे मौजूद हैं हमजा शहबाज साहब के। तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ छोटू से गुजारिश करूँगा कि वो आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं, आपने अंदर पंजाब असम्बली की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी गुंडागर्दी की, इतनी बदमाशी की, चीज़ों को डैमेज किया, 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा। तमाम साउंड सिस्टम, तमाम आपके माइक्रोफोन्स, फर्नीचर, ये सारा डैमेज हुआ और आज तय हुआ है, राजा बशारत साहब ने ये रेजोल्यूशन पेश किया है कि इन 6 मेंबरान के हवाले से इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और इनकी तनख्वाहों में से ये 9 लाख रुपये पूरा किया जाए, जो मेरे और आपके टैक्सों का पैसा है, पंजाब की आवाम का पैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, मुनाफ़त की सियासत कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात कही कि जनाब इससे पहले कभी पाबंदी नहीं लगी, मैंने आज अपने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी बता दिया 5 वाक़ियात तो मैंने इनको गिनवा दिए हैं, आपका शेख सलाउद्दीन साहब, शेख अलाउद्दीन, सीमल कामरान और मिसिज अंजुम सफदर, 21 जून 2012 को जनाब इनको राणा इकबाल साहब ने 15 दिन के लिए पाबंदी लगाई सेक्शन 210 रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली
पंजाब 1997, उसके तहत उन्होंने पाबंदी लगाई 15 दिन की। फिर आमिर सुल्तान चीमा साहब पे 2013 की बात है, उस पे पाबंदी लगी 15 दिन के लिए। राणा इकबाल साहब ने, नून लीग की हुकूमत ने, नून लीग के स्पीकर ने लगाई। फिर उसके अलावा दो आरिफ अब्बासी साहब पे 2017 पे पिछले साल पाबंदी लगी 15 दिन की। तो मैं समझता हूँ कि बाहर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुबह ही सुबह जनाब बड़ा वेस्ट कोट पहन के इधर आके सीना तान के कह रहे थे, पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा हमजा शहबाज छोटू शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ छोटू साहब को, कि झूठ मत बोले, अब झूठ नहीं चलता। अच्छा, ये जो गरजना और बरसना है उनकी जानिब से भी और आपकी जानिब से भी, गालम गलोच अब्यूजिव लैंग्वेज, ये कैसा है, ये क्यों है? हमारी तरफ से तो कोई गाली गलोच नहीं है, हमारी तरफ से कोई गाली गलोच नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने आपके सामने अभी गुफ्तगू किया, मैंने कोई गाली निकाली अंदर? उन्होंने जो गालियां निकाली, हाँ इन्होंने एक काम किया है, मैं ब्रीफिंग में भी मैंने कहा है कि वो जब बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा मेले में बिछड़ जाता है ना बाप से, तो वो फिर चिल्लाता है अब्बू अब्बू कह के जो ना, तो वो 15 दिन से बिछड़े हुए थे अपने कायद शहबाज शरीफ से, तो उसको डाकू डाकू कह के उन्होंने अंदर याद किया है, इधर भी याद करते हैं जो ना। तो भाई आप याद करो, आपको किसी ने मना नहीं किया। अच्छा, लेकिन एक और इल्जाम है स्पीकर के ऊपर कि स्पीकर जो है बहुत जानिबदार है, जबकि स्पीकर को गैर जानिबदार होना चाहिए। मैं खराज तहसीन पेश करूंगा चौधरी परवेज लाई साहब को, जिस डिग्निटी के साथ, जिस हम्बल वे में, जिस पोलाइट वे में, जिस तहमुल के साथ उन्होंने ये गुंडागर्दी पूरी देखी, बर्दाश्त की। वरना जिस अंदाज से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी भी असम्बली के अंदर, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे सेनेट हो, चाहे चारों सूबाई असम्बलियां हो, कभी इस अंदाज से गुंडागर्दी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास इख्तियार है, भुट्टो साहब ने मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से लेके कई ऐसे जना रिस्पेक्टेबल मेम्बरान थे, उनको उठवा के असम्बली हाल से बाहर फेंकवाया था। ये राइट होता है स्पीकर के पास, ठीक है ना जी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इस तरह की हुकूमतें करती रही हैं, तो वो चाहते तो वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फैसा, मेरा सवाल यह है जी कि कतई नज़र इसके कि कौन किस जमात से है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे ये बताइए कि ये जमहूरियत है जो कुछ पंजाब असम्बली में आज कुछ हो रहा है, ईवान में के अंदर जो पैसे लगते हैं वो आवाम के टैक्सों का पैसा है, ये दोनों जानिब को समझना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये जमहूरियत है? अब आप मुझे भट्टी साहब ने हमने क्या किया, साडा कसूर दसो ना, क्या किया हमने? हमने तो उनको हमने तो उनको आज भी मिनते तरले किए कि आओ अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करो। नहीं फैज साहब, क्या मिनतों तरलों तक बात चली गई है? भाई मिनते तरले आईन की जना एग्जीक्यूशन के लिए की है, उनकी जात के लिए नहीं की। एक रवायत है असम्बली की और एहसन रवायत है कि अपोजिशन लीडर की तकरीर से बजट बहस स्टार्ट होती है। हम उनको कहा कि आप अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब की आवाम ने आपको ये मैंडेट दिया है, करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे के बाद आपके पास ये मैंडेट आया है, ये पोजीशन आई है, आप अपनी इस रवायत को और उस करोड़ों अरबों रुपया जो पंजाब का लगा है सरकार का, उसको पूरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने जिम्मेदारी पूरी करना गवारा नहीं की। पीर को भी जो इजलास हो रहा है उसमें भी यही प्लान आ रहा है सामने, हमारे तो अभी तक यही जराये कह रहे हैं जी कि वो दोबारा से यही कुछ होगा जो आज होगा, इसका रेपिटेशन ही होगा या एक्शन रिप्ले होगा, तो फिर अब क्या लाया मतलब आपका जी? हमारा तो, मैं तर्जमान पंजाब हुकूमत की हैसियत से अपोजिशन को, मियां हमजा शहबाज साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए आए और असम्बली के सामने जवाबदही दें, जवाब दें कि जिन आपके मेम्बरान ने आपके कहने पे ये गुंडागर्दी की, 9 लाख का नुकसान पहुंचाया, सेक्रेटरी असम्बली को जख्मी किया, उसके हवाले से आप क्या जवाब देते हैं पूरी पाकिस्तानी को? हमें सलमान तारिक ने ज्वाइन किया, हमारे नुमाइंदे हैं और हमारा पैनल जो है यहीं पे असम्बली के बाहर सच चुका है। अच्छा है कि ज्यादा सवाल हो, आवामी जो नुमाइंदगी हो वो प्रोग्राम में शामिल हो। सलमान, क्या सवाल पूछना चाहते हैं जी? फयाज साहब से मेरा एक सवाल है। फयाज साहब, ये इत्तेजाज वगैरह असम्बली इजलास के मुलतवी होना, कोरम पूरा ना हो, ये तमाम चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि जी जो दूसरी जानिब अगर आम आवाम की बात करें तो मेट्रो बस के ऊपर सब्सिडी को ख़त्म करने के हवाले से बातचीत चल रही है, गौर वखोज चल रहा है, तो इन तमाम लड़ाइयों के अंदर आम आदमी को अगर देखा जाए तो उसको नुकसान ही पहुंच रहा है, उसको सस्ती सवारी अगर एक मिल रही थी तो क्या अब वो भी उससे छिनने वाली है? इसमें एक और बात ऐड कर लें फयाज साहब के पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट होती है पब्लिक, उसके ऊपर हुकूमतें पैसे देती हैं, क्या कहेंगे आप? देखें बात यह है कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हुई है, सेक्रेटरी फाइनेंस से भी बात हुई है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि हम वो सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है, 12 अरब रुपया आप सब्सिडी दे रहे हैं साल की, 12 अरब रुपया अरसलान भट्टी साहब 3 प्रोजेक्ट्स में, ऑरेंज लाइन ट्रेन इसमें शामिल नहीं है, ये 12 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बाद आउटकम क्या है?
آپ دنیا کے کسی بھی میٹرو کے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ پڑھ لیں, ان کی کاسٹ بینیفٹ ریشو کو آپ دیکھ لیں جا کے. کم از کم 900,000 افراد اگر ڈیلی مستفید ہوتے ہیں تو ان ملکوں کی میٹرو کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس شہر کے اندر, اس میٹروپولیٹن شہر کے اندر میٹرو بس کا آغاز کیا جائے. ہماری حالت یہ ہے کہ ملتان کے اندر خالی بسیں موو ہوتی ہیں. آپ میرے ساتھ ابھی چلے جائیں لاہور کی, لیکن ہم بات کریں لاہور میں تو غریب طبقہ جو ہے سفر کرتا ہے. بات سن لیں, خالی بسیں سفر ہو رہی ہیں. پنڈی کے اندر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ صورتحال ملتی جلتی ہے. لیکن اب یہ جو وائٹ ایلیفنٹ ہے, ہم نے اس کو چلانا ہے. یہ گلے کا ڈھول جو انہوں نے باندھ دیا ہے پوری پاک پنجاب کی ریاست کے گلے میں, پنجاب کے خزانے کے گلے میں, اس کو بجانا تو ہے. لیکن چاہتے ہم یہ ہے کہ اس انداز سے بجائیں کہ نہ پنجاب کے خزانے کا کان پھٹے نہ پنجاب کی عوام کا کان پھٹے. اس کو احسن طریقے سے ہم نے اس کو مینج کرنا ہے. بہت سی کنسیڈریشن ہیں, مطلب ہے اس میں سبسڈیز کے حوالے سے بھی ہے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے اس کو جناب کولیبریشن کے حوالے سے بھی ہے, پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی کنسیڈریشنز ہیں, لیکن ابھی کوئی چیز فائنلائز نہیں. بھٹی صاحب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بھٹی صاحب آپ کیوں مسکرا؟ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں جی کہ فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مرحلہ وار جو سبسڈائزڈ جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ حکومت کا پلان یہی ہے کہ آسٹیریٹی ہونی چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے, لیکن ابھی سارا بوجھ جو ہے وہ وام پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں مہنگائی بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی آپ کے بجٹ کے اندر ایک لائن آئی ہے کہ جو سستی روٹی اسکیم تھی جو ماضی میں حکومتیں آپ بڑا اس کے ساتھ کرٹیسائز کرتے رہے, اس کے لیے بھی 1 کروڑ روپیہ مختص کرنے کی تجویز ہے. پاس ہوتا ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے, لیکن وہ بھی آپ نے کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے پروجیکٹس آئے سامنے بجٹ کے اندر جو تجاویز آئی ہیں, تو کیا آپ مرحلہ وار تمام سبسڈیز ختم کر دیں گے؟ دیکھیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے فوڈ اسٹیمپ پروگرام شروع کیا انہوں نے, اربوں روپیہ لوٹ مار کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. پھر اس کے بعد سستی روٹی آئی, اربوں روپے کی لوٹ مار کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. پھر جناب آپ کے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم آئی, اربوں روپے کی کرپشن کے بعد وہ بھی بند ہو گیا. آپ کا دانش اسکول آیا, ٹوٹل 6 دانش اسکول بنائے. ایسا غیر دانش مندانہ فیصلہ تھا کہ جتنے پیسے انہوں نے ان 6 دانش اسکول پہ لگائے اتنے پیسوں میں ارسلان صاحب آپ کے کم از کم 3 ڈویژنز پنجاب کے, ان کے تمام پرائمری اور ہائی اسکولس کو ایچ ایس این کے برابر فیسلٹیز مل سکتی تھیں, اور 300 سے زیادہ آپ کا ایک ایچ ایس این ایک آپ کے دانش اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. 1800 اسٹوڈنٹ کے پیچھے آپ لاکھوں اسٹوڈنٹس کا آپ نے جانا مستقبل تار تار کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم سنکرونائز کریں گے, ان کو بہتر کریں گے, ان کو اسٹریم لائن کریں گے. عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا جو سبسڈی لی جا رہی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب, اس کی وجہ سے ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جس کی عمدہ مثال ہم دیکھ چکے ہیں ضمنی الیکشن میں. سلمان ہمارے نمائندے ہیں, ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں نے فیاض صاحب سے کرنا تھا, فیاض صاحب ڈیولپمنٹ فنڈ میں 50% قریب جو ہے نا وہ بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی ہے یا کی جا رہی ہے, دوسری جانب تجویز دی گئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے زور رہا ہے ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں. ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے دیکھی ہے جی کہ 7% اور ایجوکیشن سیکٹر میں 14% اضافہ, جبکہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں 50% سے زائد. تو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں سب سے زیادہ ترجیحاتی بنیادوں پر آپ نے اس کے اوپر کیمپین بھی کی, اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ بہت کم بجٹ انکریز کیا گیا؟ آپ کی کیمپین کے مطابق تو اس کا ڈبل بجٹ ہو جانا چاہیے تھا. پہلا تو جو سوال پوچھا محترمہ نے کہ ضمنی الیکشن کا رزلٹ جو ہے, تو آپ کی اطلاع کے لیے سن لیں میری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, 11 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے 6 ہم نے جیتی, 5 اپوزیشن نے جیتی. 2 سیٹیں جو ہم نے آ رہی ہیں, 2 سیٹیں اٹک کی اور بنو کی. بچے کو پتہ ہے کہ وہ ہماری انٹرنل رف کی وجہ سے وہ سیٹ جیت گیا, ورنہ یہ الٹا بھی لٹک جاتے وہ سیٹ نہیں جیت سکتے تھے. یہ ہماری آپس کی جو ہے نا کوئی پی ٹی آئی کی اور کینڈیڈیٹس کی جو ہے نا ایک ڈس ایگریمنٹ, کنٹروورسی اور ڈس لائکمنٹ تھی, جس کی وجہ سے وہ لے گئے. 131, 124. اب 6 اور 5, مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں فیسا گورس نے شاید کوئی نئی گنتی یاد کر دی جس میں 5 بڑا لفظ ہے اور 6 چھوٹا لفظ ہے. جو ہے نا 6 بڑا لفظ ہے, تو جیت کے حوالے سے 6 کنسیڈر ہوگا, 5 کنسیڈر نہیں ہوگا. تاریخ تھی, اچھا فیاض صاحب ایک تاریخ تھی نا کہ جس کی حکومت ہوگی ضمنی وہ جیتے گا, لیکن یہ تاریخ تو آپ نے ہٹا دی, بدل دی. اس پہ آ جائیں, اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں. مجھے بھی 38 سال ہو گئے ایک سیاسی کارکن کے, 20 سال مجھے پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہو گئے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ضمنی الیکشن ہے کہ جس میں حکومت نے نہ LDA نہ FDA نہ RDA نہ پٹواری نہ گرداور نہ تحصیلدار نہ پولیس نہ واسا نہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ بیت المال نہ زکوٰۃ کسی کو استعمال نہیں کیا, نہ اربوں کھربوں روپے کے ترقیاتی فنڈ, نہ بجری اور ریت کے ڈھیر,
ना ठेकेदारों की भरमार। ये बात तो सच है, चीज हमने नहीं की, आप इसको हमें अप्रिशिएट करें। और सारा दिन बैठ के इमरान खान साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को खराज तहसीन पेश किया करें कि हमने ये कम से कम जाली और भोंडी और जना एक जिसे कहते हैं ना इंतहाई फजूल रवायत हमने खत्म की। उसका हमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, लेकिन मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हमने ये रवायत शुरू की है और इसका खराज तहसीन पेश करें पीटीआई को। जरूर, ये तो है और हम इस बात को तस्लीम भी करते हैं। अब ये जो बजट के ऊपर सलमान ने सवाल पूछा, सुने, पहली चीज तो ये है कि ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि सेहत और तालीम के हवाले से हमने कम कर दिया। हम आपके डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में मैं बताता हूँ, हमने तकरीबन 16% से लेके 20% इजाफा किया है तालीम और सेहत के अंदर, ठीक है ना जी। डेवलपमेंट के हवाले से हमने, देखो हालात बुरे हैं इस वक्त सूबे के, हालात का मैं आपको एक बिल्कुल प्रिसाइज करके ना भट्टी साहब आपको मैं एक फिक्रे के अंदर बता दूं, जो हमें ब्रीफिंग दी गई, जो हम पिछले पौने दो महीने से अपनी पंजाब की इकॉनमी को देख रहे हैं, 2 से 3 अरब रुपया हम डेली देने के पाबंद हैं। 2 से 3 अरब रुपया कहाँ पे दे रहे हैं? आपकी 56 कंपनियां, आपके 3 मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन और तमाम पावर प्रोजेक्ट्स, और इनके साथ अक्सर के साथ सॉवरन गारंटीज की हुई है। मोहतरम नाम नेहाद खादम आला साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, वो सॉवरन गारंटीज ये है कि ये खसारे में भी होगा ये कंपनियां, ये अदारे, ये 1 सिंगल मेगावाट बिजली नहीं भी देंगे, हुकूमत इनको पैसे देने की पाबंद है। अब इन हालात के अंदर भट्टी साहब मुझे बताएं चीज़ों को, आप माशाल्लाह समझदार हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा, घर के हालात ख़राब हो जाएं, कर्जा चढ़ जाए घर पे, तो क्या घर के लोग जो है ना वो ज़्यादा खाना पीना घूमना फिरना लग्जरी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि कटौती करते हैं ना कर्टेल करते हैं? लेकिन हमने कोशिश की है कि आवाम के ऊपर जितना उसका इम्पैक्ट कम से कम हो, वो करते हुए हमने अपने अखराजात पे जो कर दिया। क्या चौहान साहब कहीं डाउन साइजिंग का कोई प्लान कर रही है हुकूमत, या कोई कमी बेशी कर रही है किसी जगह? डाउन साइजिंग की जो वबा है वो फैली हुई है प्राइवेट सेक्टर में भी और सहाफत में भी। इसके अलावा हम देख रहे हैं 56 कंपनीज के जो छोटे मुलाजमीन है वो भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ये जरा क्लियरिटी आप बता दीजिए। देखें जी, किसी किस्म की कोई डाउन साइजिंग सरकारी अदारों के अंदर नहीं है, प्राइवेट अदारे कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। बहुत शुक्रिया फैजुद्दीन चौहान साहब, अरसान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सलमान तारिक, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।